हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको एक न्यू स्वेटर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं सिंगल कलर की ऊन से बनाऊंगी और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा और यूनिक लगता है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी जेंट स्वेटर, लेडीज स्वेटर या फिर बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इवन नंबर में फंदे लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने टोटल 16 फंदे लिए हैं। जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाएं तो आप इवन नंबर में ही फंदे लें, जैसे 2, 4 या फिर 20, 22 इस टाइप से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पहली सिलाई है और ये डिज़ाइन मैं उल्टे साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद ये एक फंदा सीधा बुनेंगे हम। फिर देखिए, हम ऊन को इस तरह से घुमाएंगे और ये एक फंदा हम स्लिप कर लें और फिर इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लें। हमें ये बार बार रिपीट करना है। एक बार इस तरह से हमें देखिए फंदे घुमाना है और ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर हम ऊन को अपनी तरफ करके ही ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ये ऊन को इस तरह से घुमाना है, ये वाला स्लिप कर देना है और फिर ऊन को अपनी तरफ करके ही ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यही चीज़ देखिए बार बार रिपीट करते जाना है। अब देखिए, ये लास्ट वाला हम फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए दूसरी सिलाई है, इसमें हम ये पहला फंदा बिना बुने उतार लें। उसके बाद देखिए, ये जो हमने फंदा घुमाकर बनाया था इसे हम रहने देंगे अभी। और इसके नीचे देखिए ये एक और फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ये वाले फंदे को हम इस तरह से खोलकर इस सिलाई पर ले लें। फिर देखिए, ये एक फंदा है, इसे हमें सीधा बुनना है। और फिर देखिए, ये जो एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसके नीचे देखिए ये एक फंदा है, इसे हम सीधा बुन लें। यानी दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और उसके बाद हम ये इस तरह से इसे खोल करके स्लिप कर लेंगे। फिर ये देखिए एक फंदा सीधा, इसके नीचे देखिए ये दूसरा वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे और फिर हम इसे खोलकर स्लिप कर लेंगे। फिर ये दो फंदे सीधे, फिर इसे खोलकर स्लिप कर लेंगे। ये जो लास्ट के दो फंदे हैं इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। ये मेरी तीसरी सिलाई है, इसमें देखिए पहले ये हम एक फंदा बिना बुने उतार लें, फिर उसके बाद हम ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा जाली वाला फंदा है और उसके नीचे ये एक और फंदा है, तो हम उनको अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ स्लिप कर ले। फिर हम ये एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। अब यही चीज़ हमें बार बार करना है। एक बार उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर हम ये दोनों फंदों को एक साथ स्लिप कर लें और फिर उनको अपनी तरफ करते हुए ही ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे और फिर ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, ये दोनों फंदे को स्लिप करेंगे, ये एक जाली वाला फंदा और ये एक फंदा, और उसके बाद हम ये एक फंदा सीधा बुनेंगे।
फिर उनको अपनी तरफ करेंगे। इन दोनों फंदों को हम स्लिप करेंगे और फिर ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों को स्लिप कर लेंगे और ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए उनको अपनी तरफ करना है और इन दोनों को स्लिप करना है और इसी लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये तीसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब ये चौथी सिलाई है, इसमें देखिए हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो ये पहला वाला फंदा हम स्लिप कर लें, उसके बाद देखिए ये एक जाली वाला फंदा जो हमने अभी बनाया है और उसके पहले ये जो दो फंदे हमने स्लिप किए थे, इन तीनों को हमें एक साथ सीधा बुनना है। फिर ये एक फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर से ये तीन फंदे जो एक साथ हैं, देखिए इन तीनों को सीधा बुनना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर तीनों फंदे एक साथ सीधे। तो ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और ये लास्ट में दो फंदे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये चौथी सिलाई भी देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है और ये मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसी पैटर्न को हमें दोबारा रिपीट करना है, हमें यही चार सिलाइयाँ बार बार बुननी है, बस डिज़ाइन थोड़ा सा शिफ्ट करना है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये आगे का बनेगा। तो देखिए ये पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ये एकदम पहली सिलाई की तरह बनेगा। तो पहली सिलाई में हमने यहाँ पे ये एक फंदा सीधा बुना था, पर अब हम नहीं बुनेंगे। इस तरह से देखिए हम ऊन को यहाँ पे घुमाएंगे और फिर ये एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और एक फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। बस हमें यही करना था कि जो हमने यहाँ पहली सिलाई में एक फंदा यहाँ पे सीधा बुना था वो हम नहीं बुनेंगे, और उसके बाद जैसे डिज़ाइन हमने नीचे बनाया था वही चीज़ हमें रिपीट करना है। तो देखिए एक बार हम ऊन को इस तरह से घुमाएंगे, फिर ये हम फंदा स्लिप करेंगे और ये वाले फंदे को हम ऊन को अपनी तरफ करते हुए ही सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए जाली वाला फंदा बन जाएगा। फिर ऊन को अपनी तरफ इस तरह से करेंगे घुमाते हुए, ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब लास्ट में देखिए ये हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो देखिए ये रॉन्ग साइड है इसीलिए हम इसे उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए छठी सिलाई है, इसे हमें दूसरी सिलाई की तरह ही बनाना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप कर लें, उसके बाद देखिए ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर देखिए ये जो ये एक्स्ट्रा फंदा जो जाली से बनाया था हमने, उसके नीचे ये एक फंदा है इसे भी सीधा बुनेंगे और फिर ये फंदा हम इस तरह से खोल करके स्लिप कर लें। यहाँ पे देखिए हमने किनारे तीन फंदे सीधे बुने हैं, फिर से यही करना है, दो फंदे सीधे बुनने हैं और ये एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनने हैं और फिर इस वाले फंदे को खोलकर स्लिप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल दूसरी सिलाई की तरह ही बना है।
और ये लास्ट वाला फंदा देखिए, इसे हमें सीधा बुनना है। अब ये छठी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये सातवीं सिलाई है। अब देखिए इसमें ये पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये दोनों फंदा, ये जो जाली वाला फंदा और ये वाला फंदा है, इसे हम स्लिप कर लें और ये एक फंदा जो है इसे हम सीधा बुन लें। तो ये भी बिल्कुल तीसरी सिलाई की तरह ही बनेगा। देखिए ऊन को अपनी तरफ करना है, ये एक फंदा स्लिप करना है और फिर इस वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करना है, ये फंदा दोनों स्लिप करना है और फिर एक फंदे को सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हमें ये बार बार बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है सिलाई। देखिए लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब देखिए ये मेरी आठवीं सिलाई है, इसमें देखिए हमें चौथी सिलाई की तरह ही इसे पूरा बनाना है, यानी सारे फंदे हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद हम ये दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ये देखिए यहाँ पे एक, ये दो और ये तीन, तीनों फंदे एक साथ हैं तो इन तीनों फंदों को हम एक साथ सीधा बुन लें। फिर एक फंदा सीधा, फिर ये तीन फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये तीन फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। और ये देखिए लास्ट में एक फंदा सीधा। अब ये आठवीं सिलाई भी देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन भी देखिए आपको पता चल ही रहा होगा। मैं आपको इसे थोड़ा सा और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ये और भी क्लियर समझ में आए कि ये डिज़ाइन कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने थोड़ा सा बना लिया है और देखिए ये डिज़ाइन कितना सिंपल और सुंदर लग रहा है और बनने में भी बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।